हम दोनों की मिलते ही शादी हो गई थी, बिना एक दूसरे के बारे में जाने। कभी सोचा नहीं था हम दोनों एक ही ऑफिस से होंगे। और ये है मेरी शादी चाल। ओ, ऐसा क्या? ओ, ये तो सच में बड़ा तेज निकला। क्या इसका मतलब? हाँ याद आया, आज के दिन मेरा एक पार्सल आने वाला है, तो क्या तुम उसे मेरे लिए रिसीव कर सकते हो? तो क्या इसका मतलब वही है ना? वही है? ये सारी बातें तुम मुझसे तब करना जब मुझे सच में पसंद करने लग जाओ। मुझे नहीं पता क्या वो सच में मुझे पसंद करता है, कैसे पता करूं? हमने किस तो की है पर मेरे पैतरे काम ही नहीं आ रहे हैं। शायद वो बस मुझे छेड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो बस मेरे रिएक्शंस देखकर मजे ले रहा है। वो तो मुझे टॉर्चर करना है, कितना मतलबी है वो। क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करने लगा है? सच में मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पर क्योंकि हमारी शादी की शुरुआत प्यार से नहीं हुई है, मुझे अपनी अच्छी साइड दिखानी होगी। सबसे पहले मैं खाने में कुछ टेस्टी सा बनाती हूँ। कल रात करी बनाने के लिए थैंक यू सो मच। आज सुबह मैंने चिकन स्टू बनाया था, तो खाना जरूर मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, वो कितना परफेक्ट है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतना परफेक्ट हस्बैंड होगा। ये बात तो बहुत अच्छी है पर मैं फंस गई हूँ। चिकन सूप बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं इसे गरम कर रही हूँ। Hey, I'm sorry. आज रात मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम अपना डिनर कर लेना। ये तो ओवर टाइम कर रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। असल में मैं म्यूरा के काम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अक्सर पहले काम में इंसान का चेहरा पहले साफ दिखता है और फिर धीरे धीरे घर का चेहरा दिखता है। शायद हम कभी भी एक आम कपल नहीं बनेंगे। यमी, मुझे बहुत जल्द ही परफेक्ट म्यूरा हस्बैंड को वश में करने का रास्ता ढूंढना होगा। वो घर पर है, वो अभी भी काम ही कर रहा है। ये घर के कामों में अच्छा तो है ही, पर अपने ऑफिस के काम में भी कमाल का है। पर ये बात ठीक नहीं है, इसी वजह से तो ये इतना अच्छा लगता है मुझे। ओ तेरी, उसने देख लिया। क्या 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 आप क्या करने वाले हैं? शादी मुझे दोबारा किस करेगा? कुछ नहीं किया। आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम जानते थे कि मैं सो नहीं रही हूँ? एक छोटा बच्चा भी तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेगा। वैसे तुम सोने का नाटक कर क्यों रही थी? मैं तो बस तुम्हें गौर से देखना चाहती थी।
क्या गौर से? और ऐसा क्यों करना था? क्योंकि मैं तुम्हें काबू करना चाहती हूँ, कैद करना चाहती हूँ। कैद करना चाहते हो? लेकिन हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। मैं तुमसे कागज से शादी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए दीवाने बन जाओ। हाँ? मैं बहुत अच्छी बनूंगी ताकि तुम मुझे बहुत प्यार करने लगो, चाहने लगो, मेरे दीवाने बन जाओ। तुम तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकल गई। क्यों मिस हरुता सांग? पर मैं ऐसा भी तो नहीं चाहती ना कि तुम मुझे बेवजह चाहने लगो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद आऊं, तो मुझे शातिर तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं अपने कैद होने की राह देखूंगा हरुता-सान। मैं इस टॉर्चर से नहीं हार सकती। हद, मैं तुमसे कहलवा कराऊंगी कि तुम मुझे चाहते हो। चाहती हूँ कि वो मुझसे कहे कि वो मुझे चाहता है। सुबह हो गई, वेरी गुड मॉर्निंग हरुता-सान। कोई तुम्हें जगाने के लिए आया, उसके बदले तुम उस पे चिल्लाओगी? मैं जिसे चाहती हूँ उसके आगे सबसे क्यूट दिखना चाहती हूँ। तुम मुझे ऐसी हालत में किस करना क्यों चाहोगे, बताओ? हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही मतलबी बन रहे हो? अगर ऐसे ही करती रही ना तो मुझे कभी कैद नहीं कर पाओगे। और जा, मैं ब्रेड लेकर आया हूं, मेलन ब्रेड। जब मैं बस उठी ही थी उसने मुझे फंसा दिया, पर अब मेरी बारी है, मेरा नापातोला हमला। ठीक है, परफेक्ट। गुड मॉर्निंग। ओह, काम से पहले कोई किस नहीं मिलेगी, अब तो मैं रेडी भी हूँ। हरुता-सान, मैं सच में तैयार हूँ। मियूरा, मियूरा, मुझे थोड़ी देर हो रही है इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, ओके? शातिरगिरी मियूरा पर काम क्यों नहीं कर रही है? ओ, ये तो मियूरा है। और हरुता-सान, ओ ये तो ओकासाकी जी है ना? मैंने सोचा तक नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी। ओ हरुता-सान, अब याद आया तुम भी यही काम करती हो ना? आप इन्हें जानती हैं?
एक दिन हम एक पार्टी में मिले थे और बहुत सारी ड्रिंक पीने के बाद हमने बहुत सारी बातें की थी। मैं उस रात के लिए सच में माफी चाहूंगी। वो हमारी पहली मुलाकात थी और मैं अपने बारे में बस बोलती ही चली गई। तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं। उस दिन आपने जितनी इटालियन रेस्टोरेंट्स के नाम लिए थे, मैं वहाँ आपके साथ जरूर चलूंगी। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तुम्हारे रिएक्शन बहुत मजेदार होते हैं सच में। मिस ओकस, मैं सब कुछ होरी को हैंडओवर करने वाला हूँ। प्लीज आके आप हैंडल कर लीजिए। समझ गई। ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा लंच टाइम ले लिया। आई एम सो सॉरी। तो तुमसे बाद में मिलती हूँ हरुता संग। ठीक है। बाद में मिलते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो हमारी एक क्लाइंट है। क्या बात है। ये लाइन तो एक्चुअली मुझे कहनी चाहिए। और वैसे तुम तो अपना ये शातिरपन फीमेल क्लाइंट्स के ऊपर भी इस्तेमाल करने लगी हो। क्योंकि हम दोस्त हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी ये जो चालाकियां हैं, मैं नहीं चाहता तुम किसी और के ऊपर इस्तेमाल करो। हाँ? और लोगों पर? अब पता नहीं इसका क्या मतलब हुआ। क्या हुआ एमी, तुम बड़ी ही थकी थकी से लग रही हो। नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। देखो तुम्हारी मसल्स तो है नहीं। देखो मसल्स ऐसी होती है। देखो नहीं, देखो मेरी भी है। देखो देखो देखो। हे न्यूबी, ज्यादा हो रहा है। ओके क्या चल रहा है होरी? तुम्हें मीट पसंद है ना? आई लव मीट। मैं तो एक शेरनी हूँ। ये क्या था, कितनी क्यूट हो। मेरा मतलब क्या तुम चलकर खाना चाहोगी? मैंने एक नया रेस्टोरेंट ढूंढा है। क्या सच में? तो फिर तो हम सब साथ चल सकते हैं, है ना? उस दिन तुम गेट टुगेदर की बात कर रहे थे, हम वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। इसी टाइम पे फोन आ रहा है। हाँ बताओ क्या हो गया। तुम उसे अवॉइड कर रही हो, है ना? पता चल गया। क्या कहना चाहते हो? ओ हाँ 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 हाँ, वो दिन चलेगा। हाँ हाँ हाँ, वो डील अच्छी रही, उसी को फाइनल करते हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो? हाँ 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 सब ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मेरे ख्याल से मजा आएगा, है ना? साथ में चले? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। मयूरा सेन, मस्ती करना बंद करो और अपने काम पे लौटो। मीटिंग की सारी तैयारियां कर ली? हाँ जरूर, पूरी तरह से। क्या वो छिड़ा हुआ है? मेयोरा, क्या तुम किसी बात से नाराज हो? मेयोरा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने तुमसे अपनी चालाकियां दूसरों पर करने से मना किया था ना? हैं? क्या मैं जो सोच रही हूँ वैसा है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? बताओ मुझे, जलन हो रही है? खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना फेमस होने की कोशिश मत करो, समझे? मैं ऐसा कुछ करना चाहती भी नहीं हूँ। हाँ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होगा, लेकिन फिर भी सामने वाले को गलतफहमी हो सकती है, खास करके जब कोई इतनी क्यों क्या? कोई ऐसा इंसान जो गलत इंप्रेशन देता हूँ। पर तुम तो कुछ और कह रहे थे ना? नहीं बिल्कुल नहीं। आज के बाद तुम्हारे सारे शातिरपन पर बैन लगाया जाता है। बाहर तो नहीं गया है? कल वो थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा था, तो मैं बस देखना चाहती हूँ वो ठीक तो है ना। पर है कहाँ? ओह उता, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? तो चलो कहीं चलकर चाय पी कर आते हैं। और तुम्हारे काम का क्या होगा बताओ? अरे उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मेरी अगली मीटिंग के लिए मेरे पास टाइम है। हाँ होरी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ
आप यहाँ क्या कर रहे हो हारुदा सन? हाय, ओ बस मैं होरी से बात कर रही थी। अब मैं क्या करूँ, मैंने एक ही टाइम पर अपनी दो मीटिंग्स रख ली है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? 3 बजे मेरी एक प्रेजेंटेशन है हमारे नए प्रोडक्ट के लिए डायगॉन कॉर्पोरेशन में, पर मैंने एक नए बिजनेस को 3:30 बजे का मीटिंग टाइम दे दिया है। ओ हाँ, उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ, ये हाँ, चलेगा। तो तभी हुई थी। जानती हो, मुझे अभी अभी कॉन्फर्मेशन कॉल आया तो मुझे एहसास हुआ कि डैनेजॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंट है जो मैंने तुमसे लिया था। अब मैं क्या करूं? तुमने नए प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, राइट? अभी मैं उसे गो थ्रू कर लेता हूं और डैनेगॉन में जाके खुद प्रेजेंट कर दूंगा। पर मुझे जाना होगा और इसकी वजह से तुम पर और भी ज्यादा काम आने वाला है। हो जाती हैं। लेकिन काम को और दिल से करना चाहिए। मुझे माफ कर देना, वो लोग गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, इसलिए उन्हें इसी वक्त कॉल करो और अपने ना आने के लिए उन्हें अपॉलोजी दो। हाँ, आगे मैं संभालता हूँ, तुम जाके उस नई सेल पे काम करो, यहाँ फॉलो अप संभाल लूंगा। हाँ। मियूरा को होरी की गलती तो दिखाई दी, पर वो फिर भी उसे सपोर्ट कर रहा है। काश मैं भी कुछ कर सकती। ओ, एक मिनट रुको, डायनोगॉन कॉर्पोरेशन तो तो है जो मैं भी कर सकती हूँ। मियूरा, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वक्त रहते आ गई। हारुदा-सान, क्या हो गया? प्लीज इसे डायनोगॉन कॉर्पोरेशन में ओकाजाकी जी को दे दीजिए। ओकाजाकी जी ने मुझसे कहा था। तुम्हें पता है, मुझे स्टेशन के सामने वाली बेकरी के बिस्किट्स बहुत पसंद है। और जब मैं उन्हें खाती हूँ तो इतनी खुश हो जाती हूँ कि अपना गुस्सा भी भूल जाती हूँ। तो फिर अब आपको कभी भी गुस्सा आया ना, तो मैं आपके लिए वो बिस्किट्स लेकर आऊंगी, ठीक है? कितनी शातिर हो, पर तुमसे बात करना आसान है। ये एक राज की बात है जो मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है? मुझे बड़ी खुशी है। इसका एक और शातिर हूँ। तो प्लीज इसे ले जाओ, प्लीज। तुम्हारे इन हमलों ने आज मेरी बहुत मदद की, बहुत बढ़िया हारुदा सा। पता नहीं अभी तक मैं इसे अपनी अच्छी साइड दिखा पाई हूँ या नहीं। कैसा रहा तुम्हारा दिन? ओकाजाकी जी के साथ मीटिंग कैसी रही? हमारी डील अच्छे से कंप्लीट हुई। हमारे वो बिस्किट्स देखकर वो बहुत खुश हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे तुम्हें हाय बोलने के लिए भी कहा था। शुक्रिया। क्या बात है मियूरा, तुम तो आज छा गए। अब तक मुझे पता था कि तुम घर पर कैसे हो, पर आज मैंने देखा तुम ऑफिस में कैसे हो। सच में दोनों जगह ही बड़े कूल हो। देखो, फिर से बातें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, तुम्हारी इन बातों की वजह से ही आज के दिन डैनेगॉन के साथ सब अच्छे से गया। देखा, मेरा शातिर होना इतना भी बुरा नहीं है, है ना? ये बात भी सही है। सोचा नहीं था ये पैतरे ओकाजाकी संग जैसी औरत पे भी काम कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा चौंक गया। तो क्या तुम अपनी रोक हटा दोगे मुझ पर से? अब लगता है अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे अलावा ये तरीके किसी और पे इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या? पर मेरे शातिर हमले तुम पर वैसे भी तो कोई काम नहीं करते हैं। मेरे ऊपर काम नहीं करते हैं? हैं? अब बताओ कि काम करते हैं या नहीं करते हैं? क्या काम कर रहे हैं? अपना ये वाला चेहरा तुम्हें किसी और के सामने दिखाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे क्यूट लोग अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाते। क्यूट? सच में? एक मिनट रुको,
तुम्हारा कहना है कि मेरा शातिर पना क्यूट है? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे साथ ऐसा करे तो अच्छा लगता है। जिस लड़की से प्यार करते हो? तुम्हें ना कहा था ना कि मुझे कैद करने की चाहत रखते हो, पर तुमने तो मुझे शुरुआत से ही कैद कर लिया था। अरुदासा, जो कुछ कहना है साफ साफ कह दो मियूरा से। आई लव यू। हम शायद एक आम शादीशुदा कपल नहीं होंगे, पर यहाँ से हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। गुड मॉर्निंग आमी। गुड मॉर्निंग। आज तुम बिना मेकअप के नहीं हो? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए सबसे क्यूट दिखना चाहती हूँ। ओह अच्छा, तो मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? ये मेरे प्यार की नजर है, प्यारी नजर। ओह ओके, मैं मुंह धोने के लिए जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? इसकी हरकत मुझे इतनी क्यूट क्यों लग रही है? किसने सोचा था इतनी क्यूट लड़की एक दिन मेरी बीवी बनेगी? आज नहीं तो कल उसे पता नहीं पड़ेगा। तुमने अपने पैरों की पूरी पोटली खोल डाली। हाँ, क्योंकि रोक जो हट चुकी है। सीरियसली, एक शातिर बीवी होना किसी मुसीबत से कम नहीं होता। तुम्हें नहीं लगता कि इसकी जो भी गर्लफ्रेंड होगी वो कितनी लकी होगी? क्या मैं तुम्हारे 2 मिनट ले सकता हूँ? पागल है क्या ये आदमी? मेरे ख्याल से तुम क्यूट हो, तुम बहुत ही फनी हो हरुता। कोई वो